नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भारत में जो नियोजन है, उस नियोजन के दौरान जो प्लानिंग कमीशन है, इस प्लानिंग कमीशन के निर्माण के ऐतिहासिक परिस्वरूप को पढ़ा था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन क्या है, उसके क्या कार्य है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा केसी नियोगी, याद कर लेना, केसी नियोगी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक योजना सलाहकार कमेटी का गठन हुआ था। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। और इस कमेटी के आधार पर ही, इस समिति के आधार पर ही आपके योजना आयोग का गठन हुआ है। योजना आयोग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो रूस में 5 ईयर प्लान आए, उन 5 ईयर प्लान की योजना को देखते हुए, उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के भारत ने भी योजना आयोग का क्या किया, गठन किया और 5 ईयर प्लान लागू करने के लिए योजनाएं बनाना आरंभ किया। तो हम बात करते हैं कि जो योजना आयोग है उसका गठन कब हुआ। इसके पहले की सारी रूपरेखा आपने पढ़ ली थी। लास्ट में योजना आई थी कौन सी, आपकी जयप्रकाश नारायण की योजना, इससे पहले एमएन रॉय की, यानी मानवेंद्र रॉय की योजना, और इससे पहले 44 और 46 अभी पढ़ाया हमने, केसी नियोगी के अध्यक्षता में सलाहकार जो क्या कर रही थी, ये सलाहकार समिति के आधार पर ही आपके योजना आयोग की, और इसी के आधार पर आपकी एनडीसी दोनों का गठन, आपके इसी के आधार पर आपके केसी नियोगी की सलाहकार जो योजना है उसके आधार पे उनकी अध्यक्षता में इन दोनों का क्या हुआ, गठन हुआ है। किसके अध्यक्षता में, केसी नियोगी की सलाहकार समिति की अध्यक्षता में ही प्लानिंग कमीशन का भी और एनडीसी का भी दोनों का गठन हुआ है। अब बात करते हैं कि 15 मार्च 1950 को यह आपकी योजना बनी और यह एक सलाहकार निकाय है। क्या है, सलाहकार निकाय है और गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक ऐसे है कि जो संविधान का निर्माण हुआ उस दौरान, संविधान के निर्माण मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले जो निकाय बने वो क्या थे, संवैधानिक थे, उसके बाद में बने वो कैसे हैं, गैर संवैधानिक निकाय है ये भी और एनडीसी भी, दोनों क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। इसमें सदस्य की बात करें, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और अंतिम अध्यक्ष कौन थे, आपके नरेंद्र मोदी थे। उसके बाद में क्या बन गया, अब क्या बन गया, नीति आयोग। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष पहले गुलजारी लाल नंदा, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष आपके रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मनमोहन सिंह जी के टाइम में, मनमोहन सिंह जी भी लास्ट के इसके क्या रहे, अध्यक्ष रहे, उसके बाद थोड़े दिन तक अध्यक्ष कौन रहे, आपके नरेंद्र मोदी जी। कार्यों की बात करें तो क्या काम करती है ये काम क्या करता है योजना आयोग, तो योजना आयोग देश में सबसे पहले हमारा ध्यान है कि योजनाओं का निर्माण करता है और योजनाओं की क्या करता है, क्रियान्विति भी करता है, योजनाओं का निर्माण और योजनाओं की क्रियान्विति। और इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि कोई भी योजना बनती है उस योजना के पहले हमें 3 चीजें आवश्यक है, एक तो लक्ष्य है, एक लक्ष्य के बाद हमारे पास में क्या रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज के बाद क्या अनुकूलता है रिसोर्सेज की, हम उन अनुकूलता के आधार पर हम जान जाएंगे रिसोर्सेज, अनुकूलता और उसके उपयोग। अनुकूलता के आधार पर उपयोग जान गए तो हमने क्या कर लिया,
योजना बना ली यानी नियोजन कर लिया। तो योजना निर्माण और क्रियान्विति के लिए क्या है, कौन कौन सी और कार्य करता है? तो पहला कार्य करता है देश के भौतिक अभौतिक पूंजीगत और मानवीय संसाधनों का आवंटन करता है कि कौन से देश के भौतिक संसाधन है, कौन से अभौतिक है, कौन से पूंजीगत है और कौन से मानवीय संसाधन है, इसका आवंटन कौन करता है? ये आपके योजना आयोग करता है। क्या करता है? योजना आयोग। क्या सभी संसाधनों का आवंटन कौन करता है? योजना आयोग करता है। और दूसरा बताया था कि आपके पास में लक्ष्य है, फिर संसाधन है, तो संसाधन के बाद क्या होना चाहिए? संसाधनों की अनुकूलता, और अनुकूलता के बाद हम क्या है उसका निर्धारण करेंगे, उसका अनुकूलतम, अनुकूलता के बाद क्या करेंगे उसका उपयोग करेंगे। तो संसाधनों के अनुकूलतम व प्रभावपूर्ण उपयोग, संसाधनों के अनुकूलता के बाद क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु विकास योजनाओं का निर्माण करना, जो हमारे रिसोर्सेज है उनका आवंटन कर लिया, उसके बाद रिसोर्सेज है वो किन किन क्षेत्रों के लिए किस प्रकार से अनुकूल है और उनका कैसे उपयोग करेंगे, उसके लिए विकास की योजनाएं बनाना, ये इसका दूसरा काम है। तीसरा काम है कि प्राथमिकताओं का निर्धारण करना कि हमारे पास में काफी सारे संसाधन है, काफी सारी योजनाएं हैं, काफी सारे कार्य है, लेकिन हमें सबसे पहले प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है कि हमें प्लान करना है, लेकिन किस हमारे देश की जनता के लिए प्लान करना है तो सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा रोटी कपड़ा मकान के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकता के लिए, उसकी फिर उसकी सेकेंडरी आवश्यकता के लिए, फिर थर्ड आवश्यकता के लिए, यानी अलग अलग जो उनकी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं में प्रथम है उसका हम क्या करेंगे, पहले निवारण करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से हम क्या है प्राथमिकताओं का निर्धारण करेंगे और उन प्राथमिकताओं के अनुकूल ही संसाधनों का क्या करेंगे आवंटन करेंगे। हमें प्राथमिक आवश्यकता चाहिए तो संसाधन भी हम क्या है प्राथमिक रूप से उपयोग करेंगे। नियोजन की सफलता के लिए सबसे पहली बात, सबसे मेन बात है नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्माण करना, कौन सी कार्य प्रणाली हम बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर नियोजन की सफलता हमें प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें कार्य प्रणाली को देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की कार्य प्रणाली बनाने जा रहे हैं। कार्य प्रणाली अगर अच्छी है तो नियोजन क्या है सफलतम रहेगा, और कार्य प्रणाली अच्छी नहीं है तो नियोजन क्या रहेगा असफल रहेगा। इस बात पे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि आप योजना चाहिए 15 घंटे की बना लो पढ़ने की, लेकिन आप उसमें से 3 घंटे भी अगर ढंग से पढ़ते हो तो आपकी योजना कुछ परसेंट तक ठीक होगी, और 15 घंटे में आप 0 घंटे क्या है पढ़ रहे हो तो वहां योजना कितना भी अच्छा नियोजन कर लो वो सारा कुछ क्या विफल है। तो नियोजन के साथ साथ कार्य योजना है उसकी अच्छी, अब ये कौन बनाएगा, ये आयोजना परिषद के साथ मिलकर के ये योजना आयोग क्या है निर्माण करेगा योजना का, इसमें सारे अधिकारी सारे कैबिनेट के सदस्य भाग लेते हैं। सरकार को आर्थिक बाधाओं की समस्या से अवगत कराएं, अगर हम कोई योजना बनाने जा रहे हैं तो सरकार को आर्थिक बाधा की समस्या से क्या है अवगत कराएं कि आर्थिक बाधा है वो किस प्रकार से सरकार को क्या करेगी परेशान करेगी, और समय पे आर्थिक बाधाओं का हम पता लगा लेते हैं तो हम क्या कर पाते हैं विकास कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि योजना की प्रगति के लिए समय समय पर मूल्यांकन टेस्ट वगैरह लेते हैं, भाई टेस्ट वगैरह लेते हैं ना कि हमने क्या 7 डेज में क्या याद किया या 7 डेज में हमने क्या प्लान किया, क्या उस 7 डेज में हमने जो प्लान किया हमने जो स्टडी की वास्तव में वो स्टडी सही रही या नहीं रही, इसके लिए हम क्या करेंगे 7 डेज के बाद या 7 डेज के दौरान हम आकलन करेंगे हमने क्या पढ़ा। इसके बाद हम बात करें केंद्र और राज्य सरकार को अन्य सभी आर्थिक विकास के लिए सुझाव देना, ये इसका काम है कि केंद्र और राज्य सरकार को क्या दे सुझाव दे, किसका कार्य है योजना आयोग। तो समझ में आ गया कि योजना आयोग है निम्न कार्यों की क्रियान्विति करता है, और योजना आयोग जो है वो
50 से लेके 52 तक चला और 52 में योजना आयोग के साथ ही वैसे तो कि योजना आयोग में लगभग सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं वही योजनाओं में कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए निष्पक्षता के लिए योजना आयोग में योजनाओं का क्रियान्वयन सही हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी निष्पक्षता के लिए आपके जो अगली कमेटी अगला जो आयोग है वो आपका गठित किया गया, वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या गठन, किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? एनडीसी का गठन किया गया। जो एनडीसी है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी का क्या किया गया? गठन किया गया। और एनडीसी का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। और जो एनडीसी है इसके अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जो योजना आयोग के सचिव होते हैं, सचिव वो क्या है? इसके भी सचिव होते हैं। योजना आयोग के सचिव है वो इसके भी क्या होंगे? सचिव होंगे। अब इसकी बात करते हैं, यह भी योजना आयोग की तरह ही एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है। इसके गठन की बात करें तो मैंने अभी बताया था कि 1946 में जो समीक्षा या सलाहकार जो समिति बनी थी, केसी नियोगी जिसके अध्यक्ष थे, उन्हीं केसी नियोगी की अध्यक्षता में भी किसका गठन हुआ? आपके राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके गठन के दौरान हम बात करें तो उसका गठन किसके लिए हुआ था? उसका गठन हुआ था जो भी हमारे राज्य है या जो रियासतें हैं, भाई ये जो प्लानिंग कमीशन जो था वो तो केंद्र आधारित था और सत्ताधारी पार्टी के अंतर्गत था, तो राज्य और रियासतें थी उनके प्रतिनिधित्व के लिए, राज्य और रियासतें थी उनके प्रतिनिधित्व के लिए इसका गठन किया गया। इसके बाद मुरारजी देसाई की अध्यक्षता में आपके प्रशासनिक सुधार आयोग की जो संतुष्टि हुई या जो बैठक हुई या जो सम्मेलन हुआ उससे पूर्व केवल आपके राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे, इसके प्लानिंग कमीशन के सदस्य होते थे। लेकिन 1967 के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा अब आके सभी कैबिनेट के सदस्य, जो मंत्री परिषद है उसके सदस्य, इसके अतिरिक्त आपके केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ के जो प्रशासक है और योजना आयोग के सभी सदस्य वो क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। पहले कौन होते थे? केवल राज्यों के मुख्यमंत्री, लेकिन वर्तमान में कैबिनेट के जितने भी हैं
मंत्रिपरिषद है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक है, योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य हुआ करते हैं। ये तो है इसके सदस्यों की बात। अध्यक्ष वही होगा, सचिव वही होगा, ठीक है। और संविधानिक निकाय कैसी है? गैर संविधानिक है। कैसी है? गैर संविधानिक निकाय है। अब बात करते हैं इसके कार्यों की, इसके कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या कार्य है, जो आपका योजना आयोग है, योजना आयोग की समीक्षा करना। जो योजना आयोग है उसके द्वारा जो योजना बनाई गई है, योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना जो है, योजना की क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे, ठीक है। और समीक्षा के बाद योजना को क्या देंगे? स्वीकृति प्रदान करेंगे। और पता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बिना, राष्ट्रीय विकास परिषद के बिना कोई भी योजना स्वीकृत नहीं हो पाती है। अगर योजना एग्री स्वीकृत नहीं करती है तो योजना लागू नहीं होती है, योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है। तो योजना को लागू भी कौन कर रहा है? ये कर रहा है, यानी स्वीकृति प्रदान करेगा तभी तो योजना क्या होगी? लागू होगी। और योजनाओं की जो प्राथमिकताएं हैं, जो उसमें आपके योजना आयोग का कार्य था प्राथमिकता प्रदान करना या प्राथमिकता को बताना, तो इसका है कि योजनाओं की प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता के लिए योजना आयोग को, किसको? योजना आयोग को योजना की प्राथमिकता के लिए क्या देगा? सुझाव देगा। कौन देगा? आपका प्लानिंग कमीशन। कौन देगा सुझाव? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या देगा? सुझाव देगा। और इसके अलावा विकास, आर्थिक व जो सामाजिक पहलू है, विकास के कौन से? आर्थिक पहलू और सामाजिक पहलू है, उसके विचार पर, जो आर्थिक और सामाजिक पहलू है उसके विचारों पर, सामाजिक जो पहलू है, पहलू के लिए विचार प्रस्तुत करेगा, विचार प्रस्तुत करेगा। कौन? आपका ये एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। तथा जो योजना लागू की गई है उस योजना का मूल्यांकन भी करेगा समय समय पर, योजना का समय समय पर क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। और मूल्यांकन करने के साथ साथ योजना में जो कमियां हैं वह भी आपके योजना आयोग को बताएगा। अब योजना आयोग की इस जो सहयोगी संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद को, उसको के संतानम ने क्या कहा? सर्वोच्च मंत्री परिषद, याद रखना, क्या कहा? सर्वोच्च मंत्री परिषद। क्या कहा? सर्वोच्च मंत्री परिषद। एक बार देख लेते हैं क्या काम है। योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना है उसका उसकी समीक्षा करेंगे, उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे और योजना लागू करेंगे। योजना का क्रियान्वयन हालांकि वो करेगा योजना आयोग, लेकिन लागू करने का काम किसका है? एनडीसी का है। प्राथमिकता के लिए योजना को सुझाव भी देंगे, जो विकास का आर्थिक और सामाजिक पहलू उसके ऊपर विचार भी देंगे और समय समय पर योजनाओं का मूल्यांकन भी करेंगे। के संतानम ने सर्वोच्च मंत्री परिषद कहा, किसको कहा? आपके योजना आयोग को। क्या कहा? सर्वोच्च मंत्री परिषद। अब इसके बाद
आपकी जो तीसरी प्रमुख संस्था है जो आपके दी हुई है, राष्ट्रीय आयोजना परिषद। क्या है राष्ट्रीय आयोजना परिषद? कि राष्ट्रीय आयोजना परिषद योजना आयोग के द्वारा निर्माण की गई योजनाएं हैं उनके लिए जो प्रतिष्ठित जो विशेषज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये क्या करते हैं, योजनाओं का निर्माण करते हैं। जब तक योजना निर्माण होती है तब तक ये एक कमेटी या समिति ग्रुप में कार्य करते हैं। और इसके बाद आपके ये अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने लग जाते हैं। तो जब तक योजना का निर्माण होता है तब तक आयोजना परिषद कार्य करती है। आयोजना परिषद के बाद एक बात है कि जो आपका योजना आयोग है वह वर्तमान में योजना आयोग जो है वर्तमान में कन्वर्ट हो गया। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा जो अनाउंसमेंट किया, उसमें कहा गया कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको हम एक नई संस्था के रूप में यानी नीति आयोग के रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। किसके रूप में? नीति आयोग के रूप में परिवर्तित करते हैं। जो आपका प्लानिंग कमीशन है उसका कार्य है वो आपके 15 अगस्त के बाद समाप्त हो जाता है और 17 अगस्त से आपका नीति आयोग है वो काम करता है। लेकिन इसका जो सुचारू रूप से गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ, ये संपूर्ण कार्य करने लगा। नीति आयोग जो है उसकी बात करें तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा थिंक टेक यानी एक बौद्धिक संस्थान है। इस बौद्धिक संस्थान का उद्देश्य है ग्रामीण स्तर से लेके और उच्च स्तर तक योजनाओं का निर्माण करना, क्रियान्वयन करना। इसमें सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री है, सभी राज्यों के जो आपके जितने भी कैबिनेट के सदस्य हैं, जो अपने संसद के कैबिनेट के सदस्य हैं, सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं, वो सब के सब सदस्य जो आपके एनडीसी में और आपके योजना आयोग में होते थे वो सारे के सारे सदस्य इसके क्या है, सदस्य है। नीति आयोग का पूरा नाम प्रश्न आ जाता है कई बार यहाँ से, हमारे कोर्स में ज़्यादा इसका डिटेल नहीं है लेकिन इसका पूरा नाम आ जाता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। क्या नाम है? परिवर्तन संस्थान। इंग्लिश में नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ये क्या है, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। अब ये जो संस्थान है उसके सदस्य की बात करें तो वही अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री, और कौन है वर्तमान में, नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष के पहले उपाध्यक्ष है श्री अरविंद पानगढ़िया और वर्तमान के उपाध्यक्ष इसके है, वर्तमान के इसके तो प्रथम है, ये तो क्या है, प्रथम है। और वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान उपाध्यक्ष है इसके कौन, आपके राजीव कुमार, ये इसके वर्तमान के उपाध्यक्ष है। सदस्यों में आपके सभी कुछ प्रशासनिक सदस्य भी काम करते हैं, कुछ विशेषज्ञ भी इसके सदस्य है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के आपके जो प्रशासक है वो क्या है, इसके सदस्य है। और
आपके कैबिनेट के सदस्य भी इसके सदस्य है, साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टी है उसके सदस्य भी है, इसके सदस्य है। और यह है बौद्धिक संस्थान है जो एक पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर काम नहीं करके एक थिंक टैंक के आधार पर क्या कर रही है, बौद्धिक संपदा के रूप में क्या कर रही है, कार्य कर रही है। यह संस्थान जो है हमने बताया कि निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक कार्य प्रणाली के लिए योजनाओं का निर्माण कर रही है। तो पहले योजनाएं कौन बनाता था, प्लानिंग कमीशन, और अब योजनाएं कौन बनाता है, नीति आयोग। तो विद्यार्थियों आज हमने योजना आयोग, योजना आयोग से नीति आयोग, और नीति आयोग के अलावा हमने राष्ट्रीय विकास परिषद। अब नीति आयोग बन गया तो सारे सदस्य हो गए, तो उसका तो भविष्य क्या हो गया, उसका तो भविष्य क्या है, सोच नहीं सकते कि कब ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आयोजन परिषद को पढ़ा, अगले वीडियो के माध्यम से जो पंचवर्षीय योजना है उनके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।